तो भैया आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी चीज़ों के बारे में। लोगों ने इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा झूठ झूठ फैला रखा है कि फलाना आइटम खा लो, ढिमकाना आइटम खा लो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, आपको कोरोना वायरस ना चिपटेगा। तो जाए फालतू के ज्ञान के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है भैया, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ओके। पहले नंबर पर भैया लहसुन। और भैया फेसबुक पर बहुत सारी पोस्ट शेयर करी जा रही है धपाधप, जहाँ कह रहे हैं कि लहसुन खाओ और कोरोना वायरस से बच जाओ। और भैया WHO कह रहा है लहसुन हेल्दी तो होकर है और इसमें कुछ एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होकर हैं। अब ये एंटीमाइक्रोबियल का है, ये भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होकर हैं उन्हें बढ़ने से रोके या तो उन्हें ख़त्म कर दे। पर इस बात को भी कोई सबूत रहे हैं लहसुन खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सके। और द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि एक महिला ने जो है ना 1.5 किलो जो है ना लहसुन खा लिए, वहाँ के गले में सूजन हो गई, फिर वायजन हॉस्पिटल जाना पड़ो। तो भैया खुद होशियार हो तो मारो मत। वैसे हम सब जाना कर रहे हैं सब्जी और फल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अब इस बात का तो कोई सबूत है ना कि स्पेसिफिक फूड खाने से कोरोना वायरस से लड़ो जा सके। और दूसरे नंबर पर भैया मिरेकल मिनरल, एक यूट्यूबर हो रहा है ये, या को नाम है जॉर्डन सेथर, या के जो है ना कई प्लेटफॉर्म पे हजारों फॉलोअर हैं। और ये भैया दावा कर रहा है कि MMS यानी मिरेकल मिनरल सप्लीमेंट खाने से जो है ना कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सके। और बता रहे हैं यहाँ के अंदर क्लोरीन डाइऑक्साइड है जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट होकर है। और भैया कोरोना वायरस आए बिना यहाँ से पहले ही जो है ना सेथर और बाकी कई सारे लोगों ने इसके साथ के समन्वय ने जाना इसको जो है ना प्रमोट करना शुरू कर दिया। और भैया जनवरी में याने ट्वीट कर दियो कि क्लोरीन डाइऑक्साइड ना केवल कैंसर सेल को मारक रहे बल्कि कोरोना वायरस को भी ख़त्म कर सके। और पिछले ही साल जो है ना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने जो है ना MMS पीने से जो है ना स्वास्थ्य पर होने वाली जो है ना खतरों के बारे में चेतावनी दे दी। और बाकी जो देश हैं वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी यहाँ के बारे में जो है ना अलर्ट जारी कर दियो। और FDA का कहना है भैया किसी भी रिसर्च से ये ना पता लगा है कि ये प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक कर सके भैया, और इसके भैया साइड इफेक्ट बहुत हैं। और बता रहे हैं यार पीने से ना नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और भी कई सारी दिक्कतें हो सके हैं ऐसे। तीसरे नंबर पर है भैया होममेड हैंड सैनिटाइजर, काफ़ी सारी रिपोर्ट आ रही है भैया, बता रहे हैं कि मार्केट में जो है ना हैंड सैनिटाइजर जो है ना कमी हो गई है, बाकी बिल्कुल ही लापता हो गया। और बता रहे हैं यहाँ से जो है ना वायरस को रोका जा सके। और इटली में भैया सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा कमी की खबरें आ रही हैं सामने। तो जाए मारे जाना लोग सोशल मीडिया पर होममेड सैनिटाइजर को जो है ना बना के दिखा रहे हैं, पर होममेड वाला हैंड सैनिटाइजर जो है ना कामयाब ना है, या से जो है ना सिर्फ सरफेस साफ कर सके किसी चीज़ के बस, और कुछ ना हो सके ऐसे। और भैया जिनमें अल्कोहल है ना 60-70% वही जो है ना कामयाब है, बाकी सब बेकार है। और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर सैली ब्लूमफील्ड को कहना है उन्हें विश्वास ही ना हो रहा है कि घर पर भी हैंड सैनिटाइजर बनाया जा सके और वो भी इफेक्टिव। और बता रहे हैं बोर्ड काम में भी 40% अल्कोहल होकर है। और भैया इफेक्टिव सैनिटाइजर बनाने के लिए कम से कम 60% अल्कोहल होना ही चाहिए तभी कामयाब है भैया, वरना तो बेकार है, कूड़ो एकदम। चौथे नंबर पर बता रहे हैं भैया हर 15 मिनट पानी पियो, एक पोस्ट है भैया जो कई सारे फेसबुक अकाउंट से जो है ना कॉपी पेस्ट हो रही है धपाधप, जहाँ में जो है एक जापानी डॉक्टर कह रहा है हर 15 मिनट में पानी पियो और कह रहा है आपकी बॉडी से हर तरह का वायरस निकल जाएगा यहाँ से। और यह पोस्ट को अरेबिक वर्जन है, वहाँ को 2.5 लाख से ज़्यादा बार जो है लोगों ने शेयर कर रखा है। और भैया प्रोफेसर ब्लूमफील्ड को कहना है कि इस बात का कोई सबूत तो है ना कि यहाँ से कोई मदद मिल सके, जब आप सांस ले रहे हैं तो एयरबोर्न वायरस आपकी बॉडी के अंदर घुस जा कर है, लेकिन लगातार पानी पीने से वायरस को रोका ना जा सके। बहरहाल पानी पीनो और हाइड्रेटेड रहनो आमतौर पर अच्छी एडवाइस है। तो भैया पानी तो तुम पी सको, ठीक है भैया, ओके। और भैया आखिरी में बता रहे हैं कि भैया हीट लो फुल, और भैया आइसक्रीम मत खाओ। और भैया इंटरनेट पर कई तरह की सलाह घूम रही हैं जिनमें कह रहे हैं कि हीट जो है ना वायरस को मार सके। और भैया लोगों को गर्म पानी पीने की सलाह दे रहे हैं कि भैया गर्म पानी से नहाओ, हेयर ड्रायर यूज़ करो, ये सब सलाह दे रहे हैं। और भैया यूनिसेफ कंबोडिया नाम से जो है ना फेक पोस्ट वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, जहाँ में कहा जा रहा है कि गर्म पानी पियो और भैया सूरज की रोशनी में जो है ना रहो, जैसे जो है ना वायरस मर जाएगा, और आइसक्रीम मत खाओ बिल्कुल भी। और भैया यूनिसेफ का कह रहा है यह बारे में कि हमने तो ये पोस्ट करी ना है। और भैया जैसे हम सब जाना कर रहे हैं फ्लू वायरस जो है ना गर्मियों के दौरान जो है ना बॉडी पर जिंदा ना रह सके, लेकिन हम ये ना जानते हैं कि गर्मी इस नए वाले कोरोना वायरस को कैसे इफेक्ट कर सके। प्रोफेसर ब्लूमफील्ड के अनुसार अपने शरीर को सूरज की रोशनी में गर्म करना इस वायरस के लिए पूरी तरह इनइफेक्टिव है। एक बार जब वायरस आपकी बॉडी में चला गया तो चला गया, इसे मानने का कोई तरीका है ही ना, बस आपकी बॉडी को ही लड़ना पड़ेगा यहाँ से। और भैया ज़्यादा ज़्यादा एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भैया अंगूठे जो फड़ा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, तो घंटों बजाई दोगे।
और अपने दोस्तों में जाना शेयर कर दो, दबा के धपा धप। ठीक है भैया, ठीक है, ओके।